तो गाइस ये है बुतवल के लिए नया रूट, शॉर्ट रूट। अगर आप पोखरा ना जाके इसके शॉर्ट रूट से जाना चाहें तो ये रूट है, जो कि 60 किलोमीटर कम पड़ता है बुतवल के लिए, और आपके कम से कम 2-3 घंटे बचते हैं इसमें। आपको पोखरा जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप पहुंच सकते हैं बुतवल। डर मत, निकल गई है। फट गया, हाँ हाथ में आ गई। अभी हम हैं बेनी में, रसलान दाना होटल एंड थकाली। तो यहाँ पे अभी खाना खाते हैं और उसके बाद निकलेंगे। मैं तो थाली लूँगा वेज। तो भाई जब से नेपाल में घुसे हैं हमने सबसे स्पेशल थाली खा रहे हैं, ये है थकाली वेज थाली। इसमें चावल हैं और 3-4 तरह की वेजिटेबल हैं, साग है, मिक्स वेजिटेबल है, दाल है। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो इसकी जगह दाल की जगह मीट साथ में मटन या चिकन ऐड हो जाता है। तो ये है हमारी आज की थाली। तो नेक्स्ट प्लान हमारा ये है, अभी खाना खा के फिर सीधा निकलेंगे। मैं निकल रहा हूँ बुतवल की तरफ और ये भाई लोग जा रहे हैं पोखरा। राहुल भाई यहाँ से अलग हो रहे हैं, मेरा एक दिन खराब होता है पूरा। कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा आपके साथ राइड करके, तीनों के साथ मजा आ गया। अच्छा ग्रुप का हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आगे भी कभी लॉन्ग राइड करना होगा ऐसा कुछ नया निकलेंगे। हाँ कोई प्लान बनेगा तो फिर इकट्ठे फिर करेंगे, फिर चलो खा के फिर निकलते हैं। तो ये बेनी का एंट्री द्वार है, गेटवे ऑफ बेनी, और ये ब्रिज गंगी काली रिवर के ऊपर ब्रिज है। तो हमने बाय बाय कह दिया है अपने को राइडर्स को, अमर भाई और राहुल भाई को। वो जा रहे हैं पोखरा, मैं जा रहा हूँ बुतवल। अभी भी मुझे 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, वो पूरा हिल एरिया है 200 किलोमीटर, मतलब कि 7 आवर तो गूगल दिखा रहा हमें, 9, 9:30, 10 बजे तक पहुँचने की पूरी संभावना है। आज अगर मैं बुतवल कर लेता हूँ तो कल मैं दिल्ली आराम से जा सकता हूँ। फिर बारिश में ये नरक बन गई है रोड, पहले से भी ज़्यादा उसने तेरी फिसल रही है भाई, ओ तेरी तो बहुत स्लिप मार रही है पैर, टायर इसका कीचड़ ही कीचड़ है, ओ तेरी तो ले। पूरा रास्ता कीचड़ का है पूरा, ये देखो कीचड़ ही कीचड़ है। हाँ सबसे ज़्यादा कीचड़ मिला है क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये रास्ता ऐसा बन गया है। वो कई पोखरा बगलाम हाईवे आ गया है, ये सीधा रूट जाता है पोखरा को, और ये बहुत ही प्यारा रूट है, और इसके बाद कितना गंदा रूट शुरू हो जाता है, लेकिन ये भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 1-2 साल में 3 साल में सही हो जाएगा। ये देखिए कितना मस्त हाईवे है पोखरा तक, पोखरा हम 1 घंटे में पहुंच सकते हैं यहाँ से, लेकिन हमारा रूट आगे चेंज हो जाएगा, 15-16 किलोमीटर बाद चेंज हो जाएगा। और व्यू देखो यार सामने कितना शानदार व्यू है यार, ब्यूटीफुल। तो गाइस ये है कुशमा, जहाँ पे हमने जो सस्पेंशन ब्रिज उस पर हमने बाइक चलाई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। जो थर्ड एपिसोड होगा, 3rd या 4th, और आई बटन में इसका लिंक होगा, आप देख सकते हैं। तो ये रास्ता कट रहा है शॉर्ट, ऊपरली तरफ जा रहा पोखरा को,
और ये शॉर्ट रूट कट गया है कोई बुतवल के लिए। पोखरा वाला रोड हमने छोड़ दिया है और ये दूसरे नए रूट पे आ गए। पोखरा से तो मैं दो बार आ चुका हूँ और रोड ठीक ठाक है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे पैच ख़राब हैं, लेकिन ये तो पूरे ही रोड ख़राब होने के चांसेस है। अभी भी 150 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करना है और 6 आवर दिखा रहा है गूगल भाई। 3:19 हो चुके हैं, यानी कि 9:10 बजने वाले हैं आज हमारे। अभी 19 किलोमीटर तो यही रोड है और इसके बाद एक राइट को कट निकलेगा काली रिवर रोड, और काली रिवर रोड पे जाके मिलेगा ये 19 किलोमीटर का पैच है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और काफ़ी अच्छा है रोड अभी तक तो। ये बीच बीच में छोटे छोटे पैच आ रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए टूटे हुए हैं, वरना ऐसा रोड है। पीछे तो काफ़ी मेटल रोड मिला मुझे, 10-12 किलोमीटर तो पूरा मेटल रोड है। हाँ, बीच में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है तो मैंने रेनकोट पहन लिया है, बस मोबाइल भी और कैमरा बंद करके अभी मैं अंदर रख देता हूँ जब तक बारिश बंद ना हो जाए, नहीं तो मेरा कैमरा ख़राब होने का चांसेस है। रोड अभी तक तो बिल्कुल साफ मिली है, 15 या 20 किलोमीटर के आसपास आ चुका हूँ मैं। तो ये एक फिर से सस्पेंशन ब्रिज पार करना पड़ेगा हमें बुतवल के लिए। स्लिप कर रही है। फट गया, हाँ हाथ में आ गई। बड़ा मुश्किल था यार, एकदम स्टीप था इंक्लाइन और स्लिप कर रहा था लोहा इसका। हाँ, अब देखते मैप, नया रास्ता तो बड़ा ख़तरनाक है। गूगल ने खेतों में डाल दिया है, पहले वो आयरन सस्पेंशन ब्रिज पार कराया, अब यहाँ। वैसे गूगल तो दूसरा रास्ता बता रहा था, किसी ने इस रास्ते से भेज दिया मुझे, कह रहे ये शॉर्ट रास्ता है। गूगल मुझे दूसरी जगह से भेज रहा था, वो सस्पेंशन ब्रिज से नहीं भेज रहा था। तो अभी भी 136 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है, 5:13। बीच में गलत रास्ते पे चला गया था, 1 घंटा वहाँ ख़राब हो गया है और रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। बीच में ठीक आ रहा है, फिर ख़राब है। बारिशों में नया रूट लेना जोखिम भरा होता है, बीच में इतने चिकनी मिट्टी आ जाती है तब दिक्कत आती है। 10:30-11 बजे से पहले मैं नहीं पहुंचूंगा। एक बार पोखरा वाली रोड मिल जाए फिर तो ठीक है, वो भी अभी बता रहे 1 घंटा लगेगा पोखरा वाली रोड आने में। एक जगह तो इतना ख़तरनाक फंस गया था मैं, चिकनी मिट्टी में पैर बाइक पूरी धंस गई थी और ऊपर चढ़ना था, फिर कैसे चढ़ोगे, स्लिप मार रही थी बड़ी ज़बरदस्त। ओफ 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 ओफ, वो एक्सपीरियंस अब भूलूंगा नहीं मैं। चलो अच्छा रोड आ गया ये, चलो ठीक है। ये 9-10 किलोमीटर ऐसे ही रास्ता मिलेगा बताया है लोकल ने, उसके बाद अच्छा मिलेगा। रास्ते में दिक्कत नहीं है, बारिश से दिक्कत है बस, और कुछ नहीं है। ऐसा रास्ता तो हमने पूरा ही मस्टांग में आधा ऐसे ही निकाला था, लेकिन बारिश के कारण नरक बन गई है रोड। बारिश में कभी भी रिस्क मत लेना इस नए रूट से, क्योंकि आपको पता नहीं है कैसा रूट है, कच्चा है पक्का है। साला ये कीचड़ में से जाना बड़ा मुश्किल है यार।
निकालना तो पड़ेगा ही। ओहो, रास्ता बंद तो नहीं है? नहीं, शुक्र है। अभी ऐसे ही रास्ता चल रहा है पिछले हाफ एन आवर से या एक घंटे से। 19 किलोमीटर तो बिल्कुल मक्खन मलाई रोड मिला है, उसके बाद तो वाट लगी हुई है, पूरा कच्चा रास्ता है। अगर बारिश ना होना तो ये रास्ता कोई दिक्कत नहीं देगा। बारिश ने नरक बना दिया ये रास्ते को। ये देखो खड्डे खड्डे। देयर इज नो रोड्स, ये कोई रोड नहीं है, ये बस रास्ता बना रखा है इन ओल्ड एंशिएंट टाइम का। बाप रे, अभी 7 किलोमीटर ऐसे ही जाना है, उसके बाद कुछ हो सकता है, पता नहीं। ओ तेरी तो, अभी पत्थर से लग रहे नीचे, चैसी पे कहीं दिक्कत ना हो जाए, बहुत पत्थर लगे नीचे। लो जी, सोने पे सुहागा हो गया, रोड टूटी हुई है। अब पता नहीं कितनी देर में, वेट करते हैं, अब देखते हैं कितनी देर लगती है। अंधेरा होने वाला है, और एक बार वो पोखरा बुतवल वाली रोड मिल जाए उसके बाद दिक्कत नहीं है। अभी 7 किलोमीटर और जाना है ऐसी रोड पे, फिर देखो आगे कुछ होता है तो। इससे बेटर था पोखरा वाले रूट से आ जाता, 2 घंटे फालतू लगते हैं, लेकिन रोड अच्छा था। मुझे वही 2 घंटे फालतू लग ही गए हैं भाई साहब, एक्सट्रीम ऑफ रोड हो गया। निकल जाएगा, ओ नदी को दा दी। ओहो, नदी को दा दी पूरी। बुतवल के लिए सीधा है? बुतवल के लिए ये रास्ता सीधा, यहाँ से सीधा जाइए और वो आगे ब्रिज आएगा, ब्रिज से राइट और उससे लेफ्ट होकर जाइए। अच्छा, लेफ्ट होकर जाइए तो फिर लमसम 7 किलोमीटर आगे कच्चा रास्ता है, ऐसे मिट्टी वाला, उसके बाद राइट लीजिएगा। कहाँ रुकना है? बुतवल जाना है जैसी वे। हाँ, तो यहाँ से ठीक 7 किलोमीटर है आगे, ये ब्रिज से ब्रिज क्रॉस करके लेफ्ट साइड जाइए, वो उस रास्ता मत छोड़िएगा। अब हाईवे आएगा सीधा, तो आए वो पोखरा वाला हाईवे मिल जाएगा। हाँ, वही मिलेगा 7 किलोमीटर में। हाँ, रास्ता कब खत्म होगा समझ नहीं आ रहा, लेकिन पहले से बेटर रास्ता हो गया है। नदी को पता नहीं कितनी बार मैंने इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर पार करा। तो भाइयों, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता ये रूट बिल्कुल। अभी तक सिर्फ 20 किलोमीटर पक्की रोड है, उसके बाद टोटली ऑफ रोड है। तो ये है मीरकोट, तो ये रास्ता मीरकोट से निकला है। ये हम आ गए हैं बुतवल वाले रोड पे, जो पोखरा से बुतवल वाला रोड है, और मीर रोड पे निकला है ये रास्ता। ओ गॉड,
ऐसी तैसी होगी और अंधेरा होने वाला। ये शुक्र है कि अंधेरा होने से पहले हम पहुंच गए हैं। तो अब हमें अच्छा हाईवे मिल गया है और अभी तक पूरा ऑफ रोड किया मैंने और मैं बता नहीं सकता मैंने क्या क्या किया है। आई नेवर रिकमेंड दिस रूट टू एनी वन, चाहे आपकी ऑफ रोड बाइक है चाहे नहीं है। दो चार साल बाद तो ये बन जाएगा रोड, काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही थी लेकिन दो चार साल बाद बन जाएगा। 8:22 हो गए हैं और अभी भी 2:14 गूगल भाई दिखा रहा है। लगभग 70 से ऊपर किलोमीटर का डिस्टेंस अभी रह गया है, कवर करना है। आज की राइड हमेशा याद रहेगी, बहुत ही ख़तरनाक ऑफ रोडिंग। दलदल में से बाइक निकाल के लाया हूँ मैं, दलदल में से, लिटरली दलदल था। और दलदल से आप किसी जगह ऊपर चढ़ाओगे तो आप सोच सकते हो कितनी पावर बाइक को चाहिए और कितनी हाथों को चाहिए, खुद को कितनी चाहिए। वो तो एक आंटी ने बहुत ही मदद करी है यार, थैंकफुल। तो नेपाली आंटी, वो भी कीचड़ कीचड़ होगी मेरी बाइक निकालने के लिए। काश मैं रिकॉर्ड कर पाता, मैं इतना पजल था। उस टाइम बारिश हो रही थी, मैंने कैमरा हटा रखा था। और नेपाली आंटी ना होती तो मैं पता नहीं ऊपर कैसे पहुंचता, वो कीचड़ से निकलता कैसे बाहर। थैंक्स टू नेपाली आंटी, मैं नाम पूछना भूल गया। वृंदावन में आज हमारा स्टे होगा और ये भाई हमें मिल गए रास्ते में, इन्होंने काफ़ी हेल्प की मुझे होटल ढूंढने में। ओके यार, थैंक यू यार, थैंक यू। दैट ऑन व्हील्स, या थैंक यू भाई। ओके सिर्फ ऑन ही, ओके थैंक यू। एट लास्ट हमें रूम मिल गया है, 12 बज चुके हैं पूरे और मैं अभी रूम में आ गया हूँ और अब रेस्ट करूँगा। और आज की राइड मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता, बहुत ही खतरनाक राइड थी, फुल ऑफ रोड। और इतना ऑफ रोड मैंने ज़िंदगी में पूरे दिन नहीं किया, 15 घंटे राइड में। तो कल का प्रोग्राम यही है कि कल हम जाएंगे अपना दिल्ली की तरफ और दिल्ली पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। डिपेंड है मौसम के ऊपर, अगर बारिश भी ना आई तो फिर इजीली पहुंच जाएंगे। लखनऊ एक्सप्रेसवे भी है और उसके बाद अपना आगरा एक्सप्रेसवे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह सुबह निकलेंगे तो ये ज़्यादा भीड़ भाड़ भी हमें नहीं मिलेगी। भाई साहब बहुत मेहनत लगी है, लाइक ज़रूर कर देना। और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो आपको पता क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा।